5 दिसंबर को नावकोठी रजाकपुर पर जाने वाले रास्ते पर स्थित हनुमान मंदिर के पास साधु के वेश में रह रहे यूपी के श्रावस्ती जिला निवासी छुटकू यादव ने 6 वर्षीय मोहम्मद एहसान उर्फ छोटू को अपहरण कर लिया, जिसके बाद उनके परिजन सहित ग्रामीणों में भय का माहौल हो गया। लोग काफी विचलित हो गए। उन्होंने थाना सहित SP तक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद सब इंस्पेक्टर खमास चौधरी, जूनियर सब इंस्पेक्टर अनिल मिश्रा की टीम गठित की गई, जिसके बाद काफी मशक्कत से अपहरणकर्ता छुटकी यादव को यूपी जिला के राप्ती नदी के किनारे से गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी में पुलिस बल के साथ चौकीदार हरिबदन महतो व नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य सलमान दिलकस ने भी अपनी काफी योगदान दिया। इस सफलता के बाद नावकोठी के नवनिर्वाचित मुखिया राष्ट्रपति कुमार बिट्टू ने पुलिस सम्मान समारोह का आयोजन किया। सम्मान समारोह में बकरी SDPO चंदन कुमार शर्मा, थाना अध्यक्ष राजीव रंजन कुमार, सब इंस्पेक्टर खामस चौधरी, जूनियर सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार मिश्रा, नवनिर्वाचित मुखिया राष्ट्रपति कुमार बिट्टू, नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य सलमान दिलकस को फूल माला व चादरों से सम्मानित किया गया। मौके पर मोहम्मद रिजवान अली, देवेंद्र दास, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद अलाउद्दीन, अमजद इब्राहिम, जमीला खातून, अन्य प्रबुद्ध ग्रामीणों ने भी बधाई दी। और बच्चा स्वयं खड़ा है, आप समझ सकते हैं ये कौन सी घड़ी है। और बच्चा अपने पिताजी के साथ ऐसे जांबाज पदाधिकारी को सम्मानित कर रहा है, ऐतिहासिक क्षण है। और उनके पिताजी SP साहब को और साथ में बात सदस्य भी है सलमान जी, तो अरे बढ़िया लगता है।